तो हेलो गाइज, कैसे हो? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद का गेमिंग लोगो कैसे बना सकते हो, वो भी अपने मोबाइल से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लो ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो को देख सको सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, खुद का लोगो बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस, यहां पे आपको सर्च करना है लोगो मेकर। सर्च करने के बाद गाइस, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, लोगो ई स्पोर्ट्स मेकर का ऐप आ जाएगा आपके सामने। ये 50 MB का है, आप इसकी रेटिंग देख सकते हो 4.7 की है। आपको सिंपली इसे इंस्टॉल पे टैप करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली गाइज इस पे ओपन पे टैप करके इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। उसके बाद गाइज, आपको इससे परमिशन दे देना है गैलरी का। गाइज, इसमें आपको ऐड देखने को मिल सकते हैं, और अच्छा लोगो आपको तभी मिलेगा जब आप अपना डाटा ऑन करोगे, क्योंकि ये ऑनलाइन लोगो मेकर है, इसीलिए आपको डाटा ऑन करना पड़ेगा। गाइस, यहाँ पे आपको ढेर सारे लोगो देखने को मिल जाएंगे, आप सारे लोगो यूज़ कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको एग्री कर देना है। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो ढेर सारा ऑनलाइन स्टोर में आपको ढेर सारा लोगो मिल जाएगा देखने को। आपको जो जो वाला भी पसंद है, आप जिसे भी पसंद कर रहे हो, आप वो लोगो यूज़ कर पाओगे। गाइज, आपको लोगो बनाने के लिए इसी तरह का ऐप चाहिए था तो आपको मिल चुका है। तो गाइज, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। उसके बाद गाइज, आपको कोई सा भी अच्छा सा लोगो सेलेक्ट कर लेना है खुद के लिए। उसके बाद गाइज, आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अपना चैनल नेम या फिर अपना लोगो का नाम डाल देना है। डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टिक कर देना है। गाइज, अब अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो। गाइज, यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन में ढेर सारे टेक्स्ट देखने को मिल जाएंगे, आप सारे टेक्स्ट को यूज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, जैसा कि आप देख सकते हो। गाइज, यहाँ पे ढेर सारे टेक्स्ट हैं, आपको जो भी टेक्स्ट का स्टाइल पसंद है आप उसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद गाइस, आपको एक शैडो दे देना है। शैडो देने से थोड़ा अच्छा 3D लुक मिलता है लोगों को, और शैडो देने के लिए आप दो कलर का यूज़ कर सकते हो, जैसे वाइट और ब्लैक। गाइस, आपको इस ऐप में एक 3D का ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप अपने टेक्स्ट रोटेट कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से।
तो टाइटल लिखने के बाद गाइज आपको यहाँ पे नीचे में सेव का बटन मिल जाएगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज आप इसे इमेज में और पीएनजी दोनों मोड में सेट कर सकते हो और सेव कर सकते हो अपने गैलरी में, तो आपको जो पसंद है वो सेट कर सकते हो आप इसको। उसके बाद गाइज ये आपका गैलरी में सेव हो जाएगा, आपको सिंपली ऐड को क्लोज कर देना है। तो आई होप गाइज वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।